Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhriyab, Advocate High Court. Today is our first and basic lecture about Sales Tax Act 1990. Basically, Sales Tax Act, इस एक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. What is sales and what is sales tax? ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर आप सेल टैक्स एक्ट को कॉन्सेप्ट्स के साथ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इन दो टर्म्स को डिटेल के साथ आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए इन दो टर्म्स का क्या मतलब है और इन टू टर्म्स में कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे जो आपको सेल्स टैक्स एक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे. ठीक है जी. सबसे पहले तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं या फिर अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप नहीं हैं, तो आपको इन टर्म्स का और इस सेल्स का जो ये एक मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर है इसका आपको अंदाजा नहीं होगा. ठीक है. तो आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने ये एक सेल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि जब आप सेल टैक्स एक्ट पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें आपके माइंड में. ठीक है. कि सबसे पहले सेल स्टार्ट कहां से होती है. बेसिकली जो सेल है, सेल का लफ्जी मतलब होता है बेचना किसी को. ठीक है. खरीदो फरोखत ये इस्तेमाल होता है हमारी रोजमर्रा की. खरीदो फरोखत एक जामिया लफ्ज है. खरीद मतलब परचेस और फरोख्त मतलब सेल. ठीक है. तो बेसिकली अगर आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप सेल कर रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, तो दोनों मीनिंग में सेल का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है. वो कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि जो चीज आप फॉर बिजनेस पर्पस परचेस करेंगे, ठीक है, उसको आप जब सेल करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सेल टैक्स लगेगा. और वो सेल टैक्स कौन लगाएगी, आपकी फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, आपकी स्टेट लगाएगी, आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगी. ठीक है. ये तो सिंपल सेल का मतलब हो गया किसी चीज को फरोख्त कर देना. तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कोई भी चीज पाकिस्तान में रह के सेल करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस तो आप उसके ऊपर टैक्स देंगे. ठीक है. सेल का मीनिंग. अब सेल स्टार्ट कहां से हो जाती है. बेसिकली सेल्स के ऊपर टैक्स कहां से स्टार्ट हो जाता है, जब आप किसी भी अपनी बिजनेस पर्पस के लिए, आप जहां से किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जब आप परचेज करते हैं, तो आप ये समझें कि सेल का कॉन्सेप्ट जो है, जो टैक्स की टर्म में हम समझेंगे कि सेल टैक्स, ठीक है ना, टैक्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी सेल्स के लिए वो स्टार्ट हो जाती है जब आप अपने माइंड में सोच लेते हैं कि मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उस रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट को बनाकर सेल करना है. और जब सेल करना है तो पूरा एक सप्लाई का प्रोसीजर है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है. एक आप जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, वो कौन कौन से मराहिल से गुजरकर आपके पास पहुंचती है और जिन जिन मराहिल से गुजरती है, हर मरहले पर, हर स्टेज पर, हर फेज पर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. ठीक है. सेल सबसे पहले आप रॉ मटेरियल जब परचेज करते हैं तो इसके ऊपर टैक्स लग जाता है. रॉ मटेरियल अगर आप बाहर से इंपोर्ट करके लेके आएंगे तो जो चीज पाकिस्तान में आ रही है आप इंपोर्ट करके लेके आए, आप उसके ऊपर टैक्स देंगे. ठीक है. उसके बाद आप प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं. ठीक है. इंपोर्ट और प्रोडक्ट, जब आपने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया तो आपके ऊपर एफईडी लगी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने पे कर दी, अगर आप यहां तक ही बिजनेस कर रहे हैं तो. ठीक है. अगर आपकी जब प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, आप उसको फिर सप्लाई करते हैं, जब आपकी फैक्ट्री में माल तैयार हो जाता है, फिर आप उसको मुख्तलिफ शहरों में भेज देते हैं. अब जो भेजने का प्रोसीजर है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो समझते हैं व्हाट इज एसपीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम. ठीक है. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है अपने प्रोडक्ट को मुख्तलिफ इजला में अवेलेबिलिटी करवा देना, भेज देना फॉर सेल. तो जब आप अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई करवाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो वो जो आपकी सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई है. जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करेगा तो उसकी जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगी और उस सप्लाई के ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, सेल टैक्स देना पड़ेगा. वो सप्लाई देगा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को,
ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे, रीजनल लेवल पर होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट आएगी जब, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज रखकर उसको मार्केट में, होलसेल मार्केट में भेज देगा। तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी अर्निंग कर रहा है, जब आप रॉ मटेरियल आपने लिया था, तो जिस बंदे से आपने लिया था उसने आपको सेल कर दिया, उसने भी अर्निंग की, इस स्टेज पर भी टैक्स लग गया। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चूंकि रॉ मटेरियल 1 रुपए का परचेज करता है और प्रोडक्ट 5 रुपए की मार्केट में बनाकर सेल कर देता है, तो इसने भी अर्निंग की है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी टैक्स लग गया। अब जब सप्लाई, मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई की, तो इसने अपनी सप्लाई में से भी अर्निंग कर ली, तो इसके ऊपर भी टैक्स लग गया। सप्लाई जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, तो डिस्ट्रीब्यूटर की 10-15% फिक्स होती है इनकम, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी साफ सारे टैक्स देना है अपनी इनकम का, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जब होलसेल में माल आता है, तो होलसेल वाला क्या करता है, 4, 5, 8, 10% होलसेल वाला अपने पास रखता है, मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट लेता है उसको सेल करने के लिए फर्दर छोटी मार्केट में, जिसको आगे कहते हैं रिटेल मार्केट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से माल आया होलसेलर के पास, इसने भी अपनी अर्निंग की, ये इस स्टेज पर भी टैक्स देगा। ये जितने स्टेजेस हैं, हर स्टेजेस पर हर दुकानदार, हर मैन्युफैक्चरर, सप्लाई मैन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ठीक है। फिर होलसेलर से माल आ गया रिटेलर, जिसको आप दुकान कहते हैं, परचून शॉप, ठीक है। तो दुकानदार के, रिटेलर के पास, रिटेलर भी दुकानदार, इसके पास जब माल आ गया, अब ये भी उसमें से अपना प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये भी टैक्स देगा। तो हर स्टेज पर टैक्स लगता है, ठीक है जी। एंड पर आप कंज्यूमर आ जाता है, कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करता है, तो उसके ऊपर जितना जीएसटी गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी पे करता है, ठीक है। तो इस तरह से रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट की कंजप्शन तक, हर स्टेज पर अगर कोई पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, फॉर बिजनेस पर्पस प्रोडक्ट को रीसेल करेगा, तो वो क्या करेगा, टैक्स देगा। अंडरस्टैंड, ये आपको सेल टैक्स का एक मेथड समझ आ चुका होगा। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं कि आपने हर स्टेज पर टैक्स देना है, तो फिर आगे आप थोड़ा सा समझ लें सेल टैक्स क्या है। तो सेल टैक्स बेसिकली, जैसे जैसे आपने टैक्स देना है, जितनी परसेंट चीज देनी है, उसके 3 से 4 मेजर, पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो फिर आपको सारे के सारी सेल्स की और सेल्स टैक्स, ये दो कॉन्सेप्ट उसकी समझ आ जाएगी, और सेल्स टैक्स एक्ट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 1, ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, दो यहाँ पे आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, गुड्स मीन प्रोडक्ट्स और सर्विस, अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट इन शेड्यूल्स ऑफ द सेल्स एक्ट। सेल्स एक्ट के शेड्यूल में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दे रखा है कि हर वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो क्या करेगा, सेल टैक्स देगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी पर्सन पाकिस्तान में इन सब में से, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल परचेजर एटसेट्रा, तमाम लोग, ठीक है, अगर बिजनेस कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, वो क्या करेंगे, अपने आप की, अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे, ठीक है। टैक्स रिटर्न्स जो होगी, गुड्स एंड सर्विसेज जितनी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी ये टैक्स एंड सर्विसेज जो है, टैक्स रिटर्न्स करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था रजिस्ट्रेशन, फिर थर्ड पॉइंट था फाइलिंग, फोर्थ पॉइंट है सेल्स टैक्स, कितने परसेंट लगना है गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और लास्ट पॉइंट है टैक्स मैटर्स एंड प्रोसीजर, टैक्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, डिस्प्यूटेड मैटर्स, कम था ज्यादा दे दिया, ज्यादा था कम दे दिया, दिया ही नहीं टैक्स डिफॉल्टर हो गया, ये कुछ चीजें हैं। ये वो 4 से 5 पॉइंट हैं जो पूरे के पूरे सेल टैक्स एक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे के पूरे सेल एक्ट में हम पढ़ते क्या हैं। बेसिकली पहले तो हमारे माइंड में होना चाहिए सेल क्या है, ठीक है, कौन कौन सी फेजेस में आपने टैक्स देना है, और फिर सेल टैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि आपको गुड्स एंड सर्विस पर फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसके बाद आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएंगे, टैक्स रिटर्न्स करेंगे, गुड्स एंड प्रोडक्ट पर टैक्स देंगे, और अगर टैक्स रिलेटेड कोई मैटर हुआ तो वो भी सेल टैक्स एक्ट में कवर हो जाएगा। तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्कस हो गया। अब इंशाल्लाह हम चैप्टर वाइज सेल टैक्स एक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको सेल टैक्स एक्ट की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। थैंक
थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।